मैं एसपी सिंह आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको माध्यक अथवा माध्यिका और बहुलक। इनसे पहले मैं माध्य मैंने इससे पहली वीडियो एक मैं डाल चुका हूँ पूरी, इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप ये ऊपर का जो कॉर्नर का आई बटन है इसे दबाकर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों चैप्टर से बोर्ड में 6 से लेके 8 नंबर का आता है, यानी तीनों टॉपिक से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हाई स्कूल में। वैसे तो ये चैप्टर जो है 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी, 10th और फर्स्ट ईयर, यानी तीनों के सभी क्लासों के लिए उपयोगी है। मैंने लिए अब मैं ये हाई स्कूल के लिए करा रहा हूँ जिसमें ये क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे 2019 में 6 से 8 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माध्यक अथवा माध्यिका और बहुलक। तो पहले बताता हूँ मैं माध्यक अथवा माध्यिका क्या होती है। तो जरा ध्यान से समझेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही, किसमें आरोही, दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही, दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर ठीक बीच वाले पद को माध्यिका कहते हैं। किसे कहते हैं? दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर ठीक बीच वाले पद को माध्यिका कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आंकड़े हमारे पास 2, 3, ये मान लीजिए 4 और 6, 7, 8 और ये मान लीजिए 11, ये आंकड़े, ठीक है। तो ये आंकड़े हमारे पास हैं, इनकी हमें जो है आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना। तो हम देख रहे हैं पहले तो ये आरोही क्रम में तो रखें, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11। अब मान लीजिए मैंने एक और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4 और ये ले लिया मैंने 9, ये ले लिया। तो सबसे पहला काम क्या है, दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना। तो मैं देखो इनको आरोही क्रम में रखता हूँ, कैसे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या आज का देखिए, सबसे पहले लिखा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर क्या है 4, 4 दो बार आया हुआ 4, उसके बाद 6, फिर 7 और फिर 8 और 9 और ये 10। अब गिन लीजिए इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 पद इसके अंदर है। ऊपर गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब माध्यिका क्या होती है जरा समझेंगे। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही, आप इधर से भी लिख सकते हो कि ठीक बीच वाले पद को हम माध्यिका कहते हैं। तो बीच में कौन सा पद है, देखिए बराबर दूरी पर चलेंगे, 3 इधर चले, हम 3 इधर चले, एक पद और चले और एक पद इधर से भी और चले, तो बीच में कौन सा पद आ रहा, 6। तो यहाँ जो 6 है वो कहलाएगी माध्यिका। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर जो पदों की संख्या वो कैसी है, सम है, कैसी है सम। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जब सम संख्या हो तो बीच में केवल एक पद होगा, वही कहलाएगी उसकी माध्यिका। क्या कहलाएगी उसकी माध्यिका अथवा माध्यक, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला ये बनेगा, माध्यिका माध्यक भी कह सकते हैं इसको, क्या एन प्लस वन अपॉन टू व पद। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या बिना फॉर्मूले के आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए अब एन के स्थान पर यहाँ देखिए कितना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विषम है, कैसा है यहाँ पर विषम, तो विषम है, विषम है 9। तो एन की जगह 9 रखेंगे, 9 और 1 हो गया 10, 10 को 2 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा पाँचवा पद। तो आप गिन लीजिए पाँचवा पद कौन सा, देखिए यहाँ से पाँचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, चाहे इधर से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो पाँचवा पद ही क्या कहलाएगी माध्यिका, यानी कि 6। तो चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहे बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। तो ये हो गई माध्यिका। अब अगर मान लीजिए पदों की संख्या सम हो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, 5, 7, 11, 13, 4 और 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक को ले लेते हैं, मैंने ले लिया 9 ले लिया, चलिए ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इनकी माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो पहले वही काम करना, दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना। तो आरोही क्रम में मैं लिख लेता हूँ, चलो मैं अवरोही में लिख लेता हूँ, पहले मैंने आरोही क्रम में लिखे थे, अब मैं अवरोही में लिख लेता हूँ, आप कोई से भी क्रम में लिख सकते हो।
तो मैंने इसको अवरोही क्रम में लिखा। देखिए अवरोही क्रम के लिए सबसे बड़ा वाला लिखा पहले, पहले कितना 13, उससे छोटा 11, और उसके बाद 9, 9 देखिए दो बार आया हुआ, और उसके बाद है 9 से छोटा है 7, और फिर 6, और फिर उसके बाद 5, और ये 2। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कैसी संख्या है? सम। कैसी है? सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। जब इवन है तो मध्यम माध्यिका क्या होगी, जरा समझेंगे। पहले दोनों से बराबर दूरी पर चल रहा है, ऐसे देखिए तीन धड़ से चले, तीन धड़ से। अब होगा क्या, इसमें दो पद बच जाएंगे, कितने? दो। अब माध्यिका हमें किसे कहें, इसे कहें या इसे कहें? तो हम ऐसा करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं और उसको आधा कर देते हैं। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7, और उसको हम आधा कर देंगे। तो 9 और 7 हो गया 16, 16 को आधा करेंगे कितना हो गया 8। तो माध्यिका कितनी हो गई, 8। तो जब सम होता है तो माध्यम में दो पद होते हैं बीच में, तो उनको जोड़ के आधा कर देते हैं, तो माध्यिका हमारी बिना फॉर्मूले के निकल जाती है। अब इसी को अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जरा समझेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बन जाता है, देखिए फॉर्मूला होगा माध्यिका या माध्यक बराबर एन अपॉन टू वा पद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वा पद बट्टा। इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं आंसर, देखिए वही आएगा जो कि इससे आया। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए एन के स्थान में कितना था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, 8 को 2 से भाग देंगे 4 वा पद, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 4, एक अगला पद क्या हो जाएगा 5 वा पद, 4 1 5। आप देखिए चारवा पद देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4, चारवा पद कितना, 9। तो यहाँ पर लिखा मैंने 9 प्लस 7 बटे 2, सोल्व किया देखिए वही आ गया 8। तो चाहे आप सूत्र से निकाल लीजिए इस वाले फॉर्मूले से, और चाहे आप इस तरीके से आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, दोनों से उत्तर एक ही आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहते हैं। कंपटीशन में चाहें तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, और आप एकेडमिक में हैं, हाई स्कूल में हैं, तो आप फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। तो वैसे जो क्वेश्चन इसमें आता है बोर्ड परीक्षा में, वो सूत्र पे बेस आता है, वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा। अब इसके बाद पहले मैं आपको समझा देता हूँ बहुलक। तो बहुलक क्या होता है ज़रा समझेंगे। दिए गए आंकड़ों में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है, दिए गए आंकड़ों में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 8 4 3 2 7 3 4 3 5 3। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया, तो सबसे ज़्यादा बार अंक जो आया वो 3 आया। देखिए कितने बार आया, 1 2 3 4 बार। तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ सबसे अधिक बार अंक कौन सा आया, 3 यहाँ पे, तो इनका बहुलक क्या हो गया, 3। कितना हो गया बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू हो गया 3। बात समझ में आ गई। तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह उन अंकों का बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक जो सबसे अधिक बार आ रहा है, तो आंसर हो गया बहुलक। देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुलक का भी जो क्वेश्चन आता है वो भी फॉर्मूले बेस आता है। तो उसको हम दोनों क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, माध्यक का भी और बहुलक का भी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अगर साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बराबर लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिए, और जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं आगे माध्यक का और बहुलक का जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का आता है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, यानी कि वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आता है। ये देखिए 2018 में आया हुआ है 4 नंबर में। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हम जो है सूत्र, ये वाला सूत्र लगाएंगे माध्यिका इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इसका, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F ब्रैकेट में n अपॉन 2
माइनस सी। तो ये एल वन एल टू एल एफ एन अपॉन टू माइनस सी क्या होती है, अभी मैं इसकी टेबल बताऊंगा तो उसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये सब होते क्या। तो पहले इसकी टेबल बनाएंगे, तो टेबल में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस दो कॉलम तो यही रहेंगे, बस एक कॉलम और बनेगा। तो चलिए अब इसकी टेबल हम बनाते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे इसकी टेबल बनेगी। देखिए इसकी टेबल के लिए आपको बस तीन कॉलम बनाने हैं, इस तरह से एक दो तीन। तो दो कॉलम में तो बिल्कुल यही बढ़ जाएगा, वर्ग अंतराल और वर्ग मर्दा, बस एक कॉलम और बढ़ेगा। तो पहले में तो यही आएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और जो दूसरा कॉलम है इसमें आएगी बारंबारता, बारंबारता, और जो तीसरा कॉलम है इसमें आएगी संचयी बारंबारता। क्या आएगी? संचयी बारंबारता। अब देखा समझेंगे, वर्गंताल तो पूरा ऐसे उतार देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ, कितना 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, देखिए यहाँ से उसके बाद 55 से 70 और उसके बाद लास्ट है 70 से 85। तो इस तरह से हम इसको ये बंद कर देते हैं। अब यहाँ समझेंगे ज़रा, देखिए अब दूसरा वाला क्या करना है हमें, बारंबारता में भी ऐसे उतार देना, जो दे रखा उसको ऐसे उतार देना, 3, 10, 20, 13 और 4। अब ज़रा इसको समझना आपको, संचयी बारंबारता में क्या करते हैं हम, पहला वाला तो ऐसे ही लिखेंगे और अगले वाले में पहले वाला प्लस करते चले जाएंगे। तो 3 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 में फिर 20 जोड़ दीजिए, 13 20 कितने हो गए, 33, 33 में फिर 13 जोड़ दीजिए, 33 और 13 हो गए 46, 46 में फिर 4 जोड़ दीजिए हो गए 50। तो ज़रा समझेंगे, पहला ऐसे उतारेंगे और फिर पहले वाले में 10 जोड़ देंगे, 13 होगा जो भी आंसर आया उसमें, फिर ये वाला जोड़ देंगे 33, 33 में फिर अगला वाला जोड़ देंगे 46, 46 में फिर उससे अगला वाला जोड़ देंगे, आ गया 50। समझ आ गया? अब इसके बाद क्या करना है ज़रा समझेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एन अपॉन टू, तो यहाँ एन से मतलब है ये वाला, या इसको लिख दो इनका जो जोड़ है वही आता है, ये कहलाता है एन। ठीक है, तो एन वाई टू निकालेंगे यहाँ से हम, यानी इस जो भी संख अंक आएंगे उसका आधा करेंगे, तो आधा हमारा हो गया 25। तो अब हमें करना क्या, ज़रा ध्यान देंगे, जो 25 इस संचयी बारंबारता में देखेंगे 25 कहाँ आ रहा, यानी कि हमें ये देखना है कि 25 देखिए 13 में तो आएगा नहीं, 33 के अंदर आएगा, यानी 25 जो है वो 33 के अंदर ही अंदर आ रहा, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे ऐसे करके। अब ज़रा इसको समझना ध्यान से, बस यही है समझने वाली चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला है इसको देखिए ध्यान से, L1, L1 कहलाता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, क्या कहलाता है L1, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। उसके बाद है L2, L2 कहलाता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। उसके बाद होता है यहाँ पर F, F होता है बारंबारता, क्या कहलाता है, बारंबारता। इसके बाद यहाँ पर आता है सी, सी होता है संचयी बारंबारता से पहले वर्ग की बारंबारता, क्या बोलते हैं इसे, संचयी बारंबारता से पहले वर्ग की बारंबारता। और इसके बाद इसमें क्या, एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू क्या ये है, यानी कि यहाँ जो भी टोटल आएगा उसका आधा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम माध्यिका निकाल देंगे। तो चलिए अब देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ से माध्यिका को निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाया हमने माध्य का, तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस यस L2 माइनस L1 बटा F ब्रैकेट में N अपॉन टू माइनस C। अब देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो L1 क्या है यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा यानी 40, L2 क्या है 55, L1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 40, F क्या है यहाँ पर बारंबारता कितनी है 20, और N अपॉन टू हमने यहाँ निकाला, देखिए पूरा यहाँ पर रख दीजिए 25, और C है बारम संचयी बारंबारता से पहले वर्ग की बारंबारता। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए आंसर हमारा आ जाएगा, तो ये हो गया 40, यहाँ पर देखिए 55 में से 40 घटाएंगे आया 15,
बटा 20 गुणा 25 में से 13 घटाएंगे, बचेगा 12। तो आप यहाँ से काट लेते हैं, देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया ये 40 प्लस 3 तिया 9, यानी कि इसका आंसर आ गया 49। तो माध्यिका आ गई, माध्यिका कितनी आ गई 49, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार का आपको आता है। तो ये क्वेश्चन पूरा आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो बहुलक का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में, तो वो किस टाइप का आता है जरा अब हम उस पर बताएंगे, वो 4 का या 2 नंबर्स का आएगा। तो चलिए अब समझते हैं बहुलक वाला क्वेश्चन को। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लाइक भी करते रहिएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर बहुलक से आता है तो इसमें से आएगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा, 70 पैकेटों में कॉफ़ी का भार निम्न सारणी में दिया गया है, बहुलक भार ज्ञात कीजिए। इसमें एक फ़ायदा है, फ़ायदा यह है कि इसमें हमें टेबल में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस जो दे रखी वही टेबल इसे नीचे बनानी है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है बहुलक निकालने के लिए वो मैं लिख रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। फॉर्मूला है बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो इसमें l क्या होता है, f1 क्या होता है, जीरो क्या होता है, 2f1 क्या है, f2 क्या है, h क्या है, ये मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तो पहले हम इसके बनाते हैं टेबल। तो टेबल में कुछ खास नहीं करना हमें, बस 2 कॉलम बनाने, एक जो 2 क्वेश्चन में दे रखे वही कॉलम हमें बनाने हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी टेबल। देखिए टेबल में हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बस ये 2 कॉलम यहाँ पर उतार देने, पहले में यही उतार देंगे जो टेबल में देख रखा, यानी भार ग्राम में, और इसमें ऐसे लिख देंगे कितना है ये 200 से 201 पूरा उतार देंगे, 201 से 202, 202 से 203 और 203 से 204, 204 से 205 और 205 से 206, और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। दूसरे कॉलम में देखिए जो दे रखा वही लिख देंगे पैकेटों की संख्या, तो जो क्वेश्चन में दे रखा वही हमने लिख दिया, कितनी है 12, 26, 20, 9, 2, 1। तो पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, भार ग्राम में हमें दे रखा है कि 200 से या 201 ग्राम के जो भार है उनमें पैकेटों की संख्या है 12, और जो 201 से 202 ग्राम है वो पैकेटों की संख्या है 26, तो ये कहलाती है बारंबारता। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक जो बारंबारता है वो 26 है, तो आपको करना क्या है, इस 26 वाले कॉलम को अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ समझेंगे मैंने जो फॉर्मूले में लिखा है ये क्या क्या है। तो सबसे पहले L, जो L कहलाता है जो बहुलक वर्ग, इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग, और ये कहलाती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो बहुलक वर्ग है ये कहलाता है L, कहलाएगा ये L पहला वाला, यानी वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दूसरा यहाँ पर देखिए f1 है, f1 कहलाएगा ये वाला, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 जो होगा वो उससे पहले, यानी जो भी बहुलक वर्ग होगा, यानी सबसे बड़ा वाला हमें देखना है इसके अंदर, जो सबसे बड़ा वाला हो उसको अंडरलाइन कर देना ऐसे, ठीक। पहला वाला जो होगा वो कहलाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये कहलाएगा f1, और इससे पहले वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा f0, और इससे अगला वाला बहुलक वर्ग से अगला वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा f2। अब यहाँ पर देखिए एक और रह गया h, h जो कहलाएगा इनका जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए 200 से 201 के बीच में कितना अंतर है, तो वो कहलाएगा h, यानी h हो गया यहाँ पर 1।
200 से 201 के बीच में जो भी अंतर है इनके बीच में, देखिए 203 से 204 के बीच में जो अंतर आ रहा है उसे हम कहेंगे एच। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम हो गई। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे और हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है बहुलक का फॉर्मूला, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर यस एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, l की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए, ये कहलाइए l की वैल्यू, यानी कि 201। ठीक है, अब उसके बाद f1 कितना है यहाँ पर 26, f0 कितना है, f0 है ये वाला 12, और उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे 2f1 है यहाँ पर 26 माइनस f0 है 12 माइनस f2 है 20 और h है कितना 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये 201 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 26 में से 12 गए तो कितना बचा 14। अब यहाँ पे 26 दूनी 52, ये समान चिन्ह दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 32 और एक ऐसी रहा। अब देखिए आंसर हमारा आने वाला 32, 52 में से 32 गएंगे कितना बचेंगे 20। तो दो से काट देता हूँ, 2 × 5 = 7 = 14 और 2 × 2 = 20। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे आएगा 0.7, यानी कि ऐसे करके देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 10 × 7 = 70 ये आगे डिवाइड, तो ये आगे 0.7 इसमें छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 201.7। लो ये आ गया बहुलक। क्या आ गया ये बहुलक। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अगर भी करिएगा, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर भी कर दीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SPMS चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।